के बीच परीक्षा का भी टेंशन बच्चों के लिए सिरदर्द बन गया है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री सामने आए, राज्यों के साथ केंद्र सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसके बाद ये फैसला किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी वाहम अपडेट निकलकर सामने आ रही। सरकार की तरफ से बड़े और कड़े नियम बनाए गए। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव सरकार करने जा रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी व अपडेट आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम विद प्रूफ के साथ आपको कुछ बड़ी खबर दिखाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आप किस बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र या छात्रा है कमेंट बॉक्स में अपने जिले व बोर्ड का नाम कमेंट करके जरूर से बताना है, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी हुई जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी हमें मिले सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए इस छोटी सी रिपोर्ट में हमारी सबसे बड़ी खबर। इस साल बोर्ड परीक्षा 2025 में काफी बड़े बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिसको देखते हुए 10वीं व 12वीं के सभी छात्र खुशी से लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने छात्रों के हितों को देखते हुए बड़े और कड़े नियम लागू कर दिए। आप सभी को बता दें, सबसे पहला जो कड़ा बदलाव सरकार की तरफ से किया गया है छात्रों की पास मार्किंग को लेकर है। पहले 36% अंक किसी भी छात्र के रहते थे तो उसे पास या फेल किया जाता था, सरकार ने इसे घटाकर 30% कर दिया। यानी किसी भी परीक्षार्थी की यदि टोटल परसेंटेज 30% भी आते हैं तो उस छात्र को पास कर दिया जाएगा, किसी भी छात्र को फेल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव निकलकर सामने आ रहा है। अब बात कर ले दूसरे सबसे बड़े बदलाव की, तो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव छात्रों के अंकों को लेकर किया गया है। अगर आप देखें तो मान लीजिए किसी भी पेपर का कुल टोटल जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है, तो अब उसे घटाकर 80 अंक कर दिया गया। यानी 80 अंकों में ही बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, पूर्णांक 80 का होगा और उसके हिसाब से बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, यानी कि पासिंग परसेंटेज इससे ज्यादा बढ़ेगी। अब बात कर ले तीसरे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव की, तो इस बार आपकी अटेंडेंस का किसी भी, चाहे वो प्रैक्टिकल में नंबर हो पेपर में नंबर हो, उसमें किसी में भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक होता क्या था कि अगर आपकी उपस्थिति 70% है तो प्रैक्टिकल में आपको 30 में 30 नंबर मिलते थे, लेकिन अब उपस्थिति का परसेंटेज आपके प्रैक्टिकल नंबर पर मायने नहीं रखेगा, यानी कि आप कितना भी स्कूल जाएं तब भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो ये सबसे बड़े और महत्वपूर्ण 3 कड़े नियम सरकार ने लागू किए हैं। तो इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।